On Bihar Chief Minister Nitish Kumar joining the NDA, SP MP Dr. S.T. Hassan has given his reaction saying that INDA bloc is standing firmly in its place. Everyone wants to defeat BJP. SP MP Dr. S.T. Hassan also expressed strong objection to the question of Uttarakhand government teaching Sri Ram in madrasas. He says that madrasas provide religious education and Islamic education is taught. No education should be imposed by force. उत्तराखंड सरकार द्वारा श्री राम जी का पाठ पढ़ाने की बात की जा रही है मदरसों में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मदरसे मजहबी दीनी तालीम देते हैं और दीनी तालीम में वो इस्लाम की तालीम दिया करते हैं। ज़बरदस्ती कोई भी तालीम नहीं थोपनी चाहिए। कल को अगर मैं ये कहने लगूँ कि शिशु मंदिर में हज़रत गौसे आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक सबक होना चाहिए तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? उत्तराखंड की सरकार करेगी? स्कूलों के अंदर कुरान पाक की हिदायत का भी चैप्टर होना चाहिए? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आदत हो गई है कि कहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करें, कहाँ हिंदू मुसलमान करें और मुसलमानों की कहाँ दिल आज़ारी हो वो काम करें, उतना ही बड़ा बीजेपी में लीडर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं लागू करेंगे लेकिन इसे कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। अच्छा, पहले कभी हमने भी सिलेबस में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, जिस तरह से कि दिल्ली में लाल किला है, लाल किला शाहजहां ने बनवाया, इस तरीके के काफ़ी चैप्टर होते हैं मुग़लों के भी और लोगों के भी, अब वो समाप्त हो गए, वो उसमें नजर नहीं आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतिहास तारीख को छुपाया नहीं जा सकता। मुग़ल्स ने, चाहे मुग़ल्स हों चाहे सिलेव डायनेस्टी हो, हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन 450 साल हुकूमत करी है। इसको इतिहास से हटाया तो नहीं जा सकता। जो करा है सो करा है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, सभी कुछ है। आज के दौर में भी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, तो हिस्ट्री थोड़ी बदली जा सकती है। अब आप सिर्फ ये कहने लगे कि लाल किला कोई मंदिर था या ताजमहल कोई मंदिर था, तो इन बातों से नफ़रतें फैलती हैं और हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादी के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। ऐसा करने से नुकसान देश का होता है। ऐसा बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया है, आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा, इससे कुछ नुकसान होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी कलाई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो ये बाद में इंडिया गठबंधन को जो सेबोटाज करते, जो नुकसान पहुँचाते, वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता इलेक्शन के बाद। क्या लगता है, किसी दबाव में किया है या मन से किया है उन लोगों? नहीं, लालच से करा है, उनको कुछ और नज़र आ रहा है, इसीलिए, क्योंकि उनका इतिहास है, 9 बार उन्होंने शपथ ली है, 5 बार उन्होंने पलटियाँ मारी हैं। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो हो सकता है वो फिर पलटी मार के आ जाए। अच्छा, बंगाल के लिए जो ममता बनर्जी, उनके लिए भी अफवाह उड़ाई जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ममता जी गठबंधन के साथ है, उन्होंने साफ इस बात को कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे।